जो डेली लेक्चर देख रहा है जिसका कोई बैकलॉग नहीं है, जो डेली लेक्चर देख रहा है जिसका कोई बैकलॉग नहीं है, अब आगे वही तगड़े कैंडिडेट्स हैं सिलेक्शन के लिए, जिनका थोड़ा बहुत बैकलॉग है वो फिर भी कुछ कर पाएंगे। पर अगर आप सोच रहे हो 5-6 चैप्टर 10 चैप्टर का बैकलॉग हो गया आपका, 50 क्लासों का बैकलॉग है, तो अब तो मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए फिर भी अगर आप चैलेंज ले सकते हैं तो करके देख लो। ठीक है, तो हम डेली लेक्चर नहीं कर रहे हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं अभी से शुरू से स्टार्ट करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो असंभव मैं बोलूंगा। ये सर बोल रहे हैं उमेश सर, और ये हम लोग को चैलेंज दे रहे हैं कि भाई आप करो, और इसमें सर ने बोल रखा है कि मैं आपको बेचैनी देना चाहता हूँ। और सही में अभी के हिसाब से मेरा ओपिनियन यही है कि नीट एस्पिरेंट के मन में बेचैनी होना चाहिए कि मैं कैसे पढ़ूँ, मैं 8 घंटे पढ़ाऊँ तो 10 घंटे कैसे पढ़ूँ। सर ये बता रहे हैं और होना भी चाहिए, अभी टाइम आ गया कि गियर अप करने का, तो फिर गियर अप करो और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो और समझो। क्योंकि देखो अब सोने से फायदा नहीं होगा, अब धीरे चलने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर सिलेक्शन चाहते हो 2024 में तो उठ जाओ, जाग जाओ, नहीं तो फिर मैदान छोड़ दो। चलो और वीडियो को पूरा। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्योंकि बच्चों मैं तुम्हें बेचैन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बेचैन करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम बोलोगे सर आप हमें बेचैन क्यों करना चाहते हो, आप बेचैनी हमारे में क्यों क्रिएट करना चाहते हो, हमारी एंग्जाइटी क्यों बढ़ाना चाहते हो। मैं तुम्हारी एंग्जाइटी इसलिए बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि तुम दिवाली के दिन खराब ना करो, तुम लग जाओ पढ़ाई करने के लिए, अब जो दिन बचे हुए हैं उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर वो बेचैनी वो एंग्जाइटी मैं भर रहा हूँ, अब पंप कर रहा हूँ, ठीक है ना, तुम फालतू के उसमें मत रहना बुलावे में कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब लग जाओगे तो फिर दुनिया बदल पाओगे, और अगर अभी भी इंतजार करोगे कि कोई बहुत ही अच्छा दिन आने वाला है कि मैं कुछ बदलाव करने वाला हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज स्टार्ट कर दो अब अपना जो है, अब अपन ऐसे पे आ गए हैं कि जस्ट गियर अप कर दो अपने तैयारी को। ठीक है ना, 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे कर दो, अब नाउ इट्स द टाइम टू गियर अप। ठीक है, चलिए तो अब ये आखिरी समय आ गया, आखिरी पड़ाव है, अगर कुछ करना है तो स्टार्ट कर दो जोरों शोरों से, नहीं तो भूल जा भाई 2024 का नहीं, फिर समझो इस बात को बिल्कुल अच्छे समझो। और अगर तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हारा टारगेट है, तुम्हारा एम है नीट 2024 डॉक्टर बनने का सपना है, तो फिर स्टार्ट हो जाओ अभी से, नहीं तो फिर एंड दो, बैक ऑफ हो जाओ, बहुत से स्कोप हैं आजकल। ठीक है, चलो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस मोटिवेशन स्ट्रेटजी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत जोरदार से पढ़ाई करते हैं।